अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिजली बिल माफ करो उद्धव सरकार, पुनर्वसन संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत की यलगार, 10 अगस्त को निकालेंगे लॉन्ग मार्च। वो लाखों लोग हैं, तभी खराब हो गई है और बिजली के बिल की वजह से ज्यादा लोग आठ हो गए। लोगों का इतना ही कहना है कि जब हमें इलाज के लिए पैसा नहीं है तो बिजली के लिए पैसा कहाँ से आएगा। आज जब कर्नाटक दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? हमारा माए बाप सरकार बात करके रिपोर्ट है, इसलिए मुफ्त दे दो, कोविड और नॉन कोविड इलाज भी मुफ्त दे दो। कि हमें से भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे, वो एक तो ही 4 महीने से एक बार मीटिंग रीडिंग के लिए भी आए भी नहीं है। उसके बाद में जो भी रेट दे रहे हैं वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रेट क्या है, कौन सा कैलकुलेशन है, वो पूरा जनता को पूरा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में जो मोर्चा होने वाला है जो लॉन्ग मार्च का, उसके लिए हम लोग पूरा सपोर्ट, मैं मेरा परिवार और मेरे जो दोस्त है वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मेरे को 800-1000 रुपये बिल आता था, अभी डायरेक्टली 9000 रुपये, बंद होने के कारण भी 9000 रुपये बिल आ रहा है। तो ये सब कहीं तो रुकना चाहिए, सब चालू होना चाहिए। और ये बिल कहाँ से भरे? शॉप बंद है, सब बंद है और हमारा डेली बेसिस पे धंधा रहता है, धंधा नहीं तो बिल कहाँ से भरे? लाइट बिल, रेंट भी देना है, लाइट बिल देना है। कोरोना महामारी का भय, लॉकडाउन से ठप नौकरी धंधा और इन सबके बीच आर्थिक महासंकट। जी हाँ, महाबदहाली का ये वो दौर है जब जीने की भी मुश्किल है। तब ऐसी सूरत में बिजली वितरण कंपनी ने बिना मीटर रीडिंग हजारों का बिल भेजकर महामुसीबत पैदा कर दी है। तस्वीर में दिख रहे वाशी गांव के इस नौजवान कैलाश पाटिल और मकरंद पाटिल को ही देख लीजिए। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है और खाने के लाले पड़े हैं, तब इनको 85,000 का बिजली बिल मिला है जिसने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है। नवी मुंबई में इस तरह लाखों उपभोक्ता हैं जिन्हें बिजली बिल देखकर कोरोना से भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हकीकत यह है कि जो लोग कोरोना से बच गए थे वे बिजली बिल से बीमार होने लगे हैं। आखिर इनकी फरियाद कौन सुनेगा? अभी कोरोना का जिस तरह से फैला हुआ है और उस माध्यम से लोग बीमार भी हो रहे हैं और जीवित हानि भी हो रहे हैं, लेकिन वो तो हो रहा है, वो दुर्दैव है। लेकिन जो बिजली का जो बिल आया है ना, वो बिजली के बिल की वजह से ज़्यादा लोग एडमिट हो गए, ज़्यादा लोगों को बुखार हो गया है, ज़्यादा लोगों की तबीयत खराब हो गई है सिर्फ बिजली के। वो लाखों लोग है, लोग तादाद में है और वो लोगों का इतना ही कहना है कि जब हमें इलाज के लिए पैसा नहीं है तो बिजली के लिए पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? जब पैसा नहीं है तो दिमाग नहीं चल रहा लोगों का। तो कॉरपोरेशन ने अपनी भूमिका इलेक्ट्रिक के बारे में, बिजली के बारे में, बिजली बिल के बारे में अपनी भूमिका रखनी चाहिए। नाइक साहब के माध्यम से नई मुंबई महापालिका ने MECB को नई मुंबई क्षेत्र में 100 करोड़ के ऊपर पैसा दे दिया है, जो अंडरग्राउंड केबल्स के माध्यम से, और जो हमेशा रोड कटिंग होता है उसका भी पैसा जो आना चाहिए वो भी नहीं आ गया, हमारा टैक्स का पैसा गया है, और वो पैसा जो गया तो वो तो कम करो। जी हाँ, ये वही बिजली विभाग है जिसे नवी मुंबई में अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने मनपा से 100 करोड़ से अधिक की मदद दिलाई। ये वही MSEDC है जिसके जरिए सड़क खुदाई और मरम्मत का लाखों का बकाया महानगर पालिका को आना अभी बाकी है। फिर इसके बदले नवी मुंबई करों का बिजली बिल माफ करने में भला हर्ज क्या है? नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत ने कहा कि नवी मुंबई मनपा को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बिजली बिल कम कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को जो करोड़ों की मदद मिली है वह नवी मुंबई करों के टैक्स का पैसा है, तो फिर उसके बदले उन्हें राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? दशरथ भगत ने उद्धव सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग उठाते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं जागी तो 10 अगस्त को लॉन्ग मार्च निकालेंगे ताकि जनता को राहत मिल सके। ग्रामीण हो या शहरी हो, दोनों ने भी कभी मांगने की मुफ्त बिजली की, फ्री बिजली की, लेकिन आज जब कर्नाटक दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? हम आज महाराष्ट्र, हमें जो पुरोगामी महाराष्ट्र, एक प्रगत महाराष्ट्र, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, किधर हमारी कमी आ रहे हैं?
तो हमारी हमारा रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हमारा माय बाप सरकार महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट है कि कर्नाटक का कुछ गुणगान कर्नाटक से कुछ लेना चाहिए हमने। जब वो फ्री दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं फ्री दे सकते। नई मुंबई में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बिजली मुफ्त दे दो और हमारा जो कोविड और नॉन कोविड इलाज भी मुफ्त दे दो, ये हमारी स्पष्ट मांगना है। और इसके लिए हम 10 तारीख को सवेरे वासी शिवाजी चौक से पदयात्रा लॉन्ग मार्च करेंगे ताकि लोगों को दिलासा मिले, लोगों को राहत मिले। फिलहाल पीड़ित जनता की नजर महाअघाड़ी सरकार के फैसले पर टिकी है, उम्मीद है उन्हें राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।